गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त राकेश ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा हाजिर है इस मंडे मॉर्निंग की सभा में। दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, कोई एक प्रोग्राम था, वहां से घर पहुंचने में लेट हो गया, लेकिन चलिए काफी टाइम हो गया है, यहाँ पर एक शॉर्ट टॉक होगी। लेकिन एज यूजुअल मंडे को नहीं आता हूँ तो मिस करता हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, चलिए वंस अगेन राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा आज ये मॉर्निंग सभा में हाजिर है आपके सामने। और दोस्तों आज का टॉपिक है हु इज स्टॉपिंग योर सक्सेस। दोस्तों आपकी सक्सेस कौन रोक रहा है, शायद आपने गेस कर लिया होगा और सही गेस किया है। जो दिल आपका बोल रहा है वही सच है। और दोस्तों ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, लेकिन ज्यादातर टाइम पे हमारा इंट्यूशन जो होता है वो खुद बता देता है सॉरी कि हमारी सक्सेस कौन रोक रहा है। तो दोस्तों हमारी जो सबसे जो सक्सेस रोकने का मेन कारण होता है और कौन होता है दोस्तों, वो दो ही लोग होते हैं, या तो हम खुद होते हैं या हमारे लव्ड वन। आइदर यू आर योर लव्ड वन आर द मेन सोर्स ऑफ स्टॉपिंग योर सक्सेस। जब मैं बात करता हूँ आपकी, ऑफ कोर्स यू नो हु यू आर, और जब मैं बात करता हूँ लव्ड वन की, तो ये लव्ड वन आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, उसमें आपके, हाँ दोस्तों दुख के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, चाचा चाची ताऊ हो सकते हैं, और आपके दोस्त भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे लोग आपको सक्सेस भी दिला दे सकते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो सक्सेस के शो स्टॉपर भी बन सकते हैं, सक्सेस को रोक सकते हैं। और वो कैसे, मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी जरूर डालू। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप अपने मम्मी पापा से या अपने फैमिली मेंबर से ये पूछें कि हमें, मैं इंडिया में हूं और मैंने ट्वेल्थ बड़े अच्छे मार्क्स से पास किया है, अब हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए या हमें यू नो और क्या क्या जो डिसिप्लिन है, अगर इंजीनियरिंग में करनी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, कंप्यूटर्स में करना है, सॉफ्टवेयर में करना है, मैकेनिकल में, सिविल में, किस में करना है, या अकाउंटिंग में जाना, किस में जाना, तो आप अगर उनसे पूछोगे तो वो आपको आंसर जरूर देंगे। बहुत कम लोग होंगे जो साफ साफ बोल देंगे कि नहीं बेटा मुझे नहीं मालूम है, अपने किसी और लोग से पूछ लीजिए। बहुत कम लोग होते हैं, कभी कभी लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर नहीं भी आता है तो ना करने में वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, अरे किसी ने हमसे पूछा और उसका मैं जवाब क्यों नहीं दिया। और लोग कभी कभी उसके बारे में इतना ज्यादा बोलते हैं जिसके बारे में उन्हें कोई खास पता नहीं होता। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि आपकी सक्सेस के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने आपको गलत सलाह दे दी। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे माँ बाप से मैं यहीं पे कनाडा में या अभी इंडिया गया हूँ या जहाँ भी जाता हूँ, तो ये सब मैं ऐसे क्यूरियोसिटी होती है कहीं पे, अभी आज भी गया था तो ऐसे बात करने लगा, कोई कॉन्फ्रेंस थी तो उस कॉन्फ्रेंस में एक सज्जन ने क्वेश्चन उठाया कि अरे कनाडा में बच्चे आते हैं और उनको हायर एजुकेशन के बाद या हायर एजुकेशन में उनको वहाँ ये नहीं पढ़ाया जाता है कि जॉब कैसे पाएं, ये सब चीज़ें, तो क्यूरियोसिटी हुई पूछा। तो क्या होता है दोस्तों कि जब मैंने माँ बाप से ये पूछता हूँ कि आपके बच्चे कैसे, उनको आप गाइड करते हैं कि कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, तो मैं जो उनके आंसर होते हैं वो सुन के मुझे बहुत ताजुब होता है, लेकिन सेम टाइम ताजुब इस बात को लेके नहीं होता है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन दैट वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकती है कि आपने तो माँ बाप को इज्जत दे करके सम्मान दे के ये सोच के आपने ले लिया कि माँ बाप सही बोले होंगे, लेकिन दोस्तों कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी ऐसा हो रहा है, स्पेशली पिछले 10-15 सालों में दुनिया जैसी चेंज हो रही है दोस्तों। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। इंडस्ट्री डिस्टर्ब्ड हो रही है, खत्म हो रही है। आप देखें टैक्सी इंडस्ट्री को ऊबर ने किस तरीके से चौपट किया, होटल इंडस्ट्री को एयरबीएनबी ने किस तरीके से चौपट किया। अगर आप इंडिया में हैं, सुन रहे हैं, तो इंडिया में देखिए YO ऑन योर ओन ऐप, देखिए ये बच्चे ने, इस यंग मैन ने कितना बढ़िया ये किया है। खाली इसके बारे में पढ़ें, वाई
OYO अराउंड 200 मिलियन प्लस यूएस डॉलर की कंपनी है। एक कॉन्सेप्ट उसने देखा कि भाई शहरों में हिंदुस्तान में अगर किसी को रूम या रेंट के लिए चाहिए बहुत दिक्कत और मुश्किल होती है, वो पगड़ी का जमाना और क्या जमाना, तो उसने एक ऐसा ऐप तैयार किया। और आप देखिए, आप उसके वेबसाइट जाएं, उसके बारे में पढ़ें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दोस्तों कि आज के टाइम पे एकदम चेंज हो गया है। हमारे माँ बाप 60s के 70s के 50s के 40s के पढ़े हुए हैं और उनको बहुत सारी अभी जो जानकारी है उस टाइम की जानकारी है वो अप टू डेट नहीं है, तो शायद वो आपको अच्छी जानकारी दोस्तों ना दे सकें। तो इसलिए आज मैं इसी बारे में कुछ आपको एक 4-5 तरीके बताऊंगा कि सक्सेसफुल कैसे होया जाए दोस्तों। वो चीजें मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। फॉर इंस्टेंस, एक तो यही तरीका हो सकता है कि जिस चीज के बारे में आप जानना चाहें, कोई कोर्स सिलेक्शन करना है या कोई जॉब पकड़नी है, बॉम्बे में कोई जॉब मिली है, दिल्ली में कोई जॉब मिली है, तो कैसे आप चूज करें दिल्ली जाना चाहिए कि बॉम्बे जाना चाहिए। तो दोस्तों एक तो ये हो सकता है, थोड़ा लॉन्गर तरीका कि आप यूट्यूब और गूगल में सर्च करें, ये तो उसके बारे में आर्टिकल पढ़ें। एक ये हो सकता है कि आप अपने मम्मी पापा के दोस्तों में देखें, आप अपने भाई के दोस्तों में, बहन के दोस्तों में, या आप अपने रिलेटिव्स के दोस्तों में या दोस्तों में देखें कि कोई ऐसा है क्या जो उस फील्ड में जॉब कर रहा है या जो आप करना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं वो ऑलरेडी कर रहा है, तो क्या करें कि उसके पास आप पहुंच की कोशिश करें। कैसे? ईमेल से, फोन से, किसी के थ्रू से, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर कैन आई हैव योर 15 मिनट्स 20 मिनट्स। दोस्तों आप बात करें तब जो आपके बहुत ही स्पेसिफिक रहे कि क्या पूछना है उनसे, 2-3 जो आपकी क्वेरी है और पूछें, लोग खुशी खुशी दोस्तों आपको बताएंगे कि ये करना है या नहीं करना है। और चाहे तो और उसके ऊपर जा सकते हैं, मतलब कि सपोज किया कि आपको चूज करना है इंजीनियरिंग में एक कौन सी ब्रांच पकड़ें, तो कोशिश करें किसी ऐसे बच्चे से बात ना करें जो इंजीनियरिंग कर रहा है, कोशिश करें ऐसे बच्चे से बात करें या दोस्त या इंसान से बात करें जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहा है। तो वो जॉब वाला क्या करेगा, वो आपको और अच्छी सलाह दे सकता है। उससे भी ऊपर अगर दोस्तों जाना चाहें तो ऐसे इंसान से बात करें जो ऑलरेडी कंपनी इस्टेब्लिश करके एम्प्लॉयर बन चुका है और लोगों को एम्प्लॉय करता है। समझ गए दोस्तों कि एक वो तरीका कि कैसे, कौन सा हम कौन सा हम ब्रांच चूज करें अपने स्टडी के लिए, हायर स्टडीज के लिए कौन सा डिसिप्लिन यूज करें। दूसरा लेवल हो सकता है कि जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनसे बात कर सकते हैं। उससे भी बड़ा लेवल हो सकता है जो ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं उस इंडस्ट्री में, उससे भी बड़ा हो सकता है जिन्होंने उस फील्ड में एम्प्लॉयर बन चुके हैं। तो दोस्तों समझ के ये सीढ़ियां होती हैं, तो जितना ऊपर सीढ़ी से बात करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा दोस्तों, अगर बात अच्छी लग रही हो। और ये हो सकता है सुनने वाले चांसेस बहुत कम है कि कोई स्टूडेंट सुन रहे होंगे, जाते रहे कि भाई बहन या माँ बाप ही सुन रहे होंगे, तो आप सुने और बच्चों को ये सलाह दें। शर्म नहीं करें कि अरे बच्चे क्या बोलेंगे कि आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं दोस्तों। ऐसी ऐसी एप्लीकेशन, ऐसे ऐसे टूल, ऐसे ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो भी पिछले 6 महीने पहले, 1 महीने पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले रिलीज हुई, शायद आपको उसके बारे में अपडेटेड नॉलेज ना हो, तो आपको गलत नॉलेज देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। कोई शर्म महसूस ना करें और सीधे अपने बच्चों को उन लोगों से कनेक्ट करवाएं जो सही नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है। इसके पहले मैं क्या सपोज किया, चलिए एक तो ये एक वो तरीका था एजुकेशन से कैरियर का। अब सपोज किया कि एक जनरल आदमी की मैं बात करना चाहता हूं कि लोग सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों बिल्कुल क्लियर रखो कि तुम्हें करना क्या है। तो अब मैं 5 तरीके बताना चाहूंगा कि सक्सेस पाने के 5 फॉर्मूले, बड़े सिंपल से। तो पहली बात तो क्या है कि सबसे सक्सेस से पहले सपोज कि आप चाहते क्या, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, बी वेरी वेरी क्लियर। इसके पहले मैं आगे जाऊं दोस्तों, कुछ नाम मैं पढ़ दूं अपने दोस्तों के जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया है, और उसमें हैं हमारे शर्मिला अनिलेश कुमार जी, रोहित सिंह राजपूत जी, निर्मल संधू जी, और हमारे जीतू सिंह जी, और शुरभि वर्मा जी, पाल सेठी साहब, जीतू सिंह, और हमारे एजाज कुरेशी साहब, परवीन पटेल जी, अशोक शर्मा जी, अरशद भट्टी जी, और हमारे तपन कुमार जी, विनय श्रीपत जी, अजित पटेल जी, विनीता सक्सेना जी, और हमारे अनिल उपाध्याय जी, और बजिंदर सिंह जी, और हमारे नवनीत तनीता वालिया जी, और हमारे मूल सक्सेना जी, और कोई चाइनीज में नाम है पता नहीं, पढ़ नहीं सकता, और जूली हेलमिश, माई डियर जूली हेलमिश,
Thank you very much for joining. I don't know how much you are able to understand this English program, Hindi and English, but thanks again for joining. हाँ से दोस्तों, so दोस्तों आप अपने question, आप अपने राय कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, आप comment कर सकते हैं और चाहे तो आप अपनी city का नाम type कर लें कि city से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों अब आगे आता हूँ कि आपको success पाने के लिए क्या करना चाहिए, सिंपल मैं पिछले अगले 2-3 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों पहले ये पता करो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, मेक इट वेरी वेरी क्लियर। दोस्तों आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 70% से ज्यादा लोगों को यही नहीं मालूम उनको चाहिए क्या। सुबह कुछ, शाम को कुछ, किसी और लोगों से मिले उसके बाद कुछ, कोई बुक पढ़ी, कुछ कोई किताब देखी, मूवी देखी, हर थोड़ी थोड़ी समय बाद उनकी चाहत बदलती रहती है। तो दोस्तों फिक्स कर लो, सोच समझ के कि आपको चाहिए क्या। फॉर इंस्टेंस पैसा बनाना सबको अच्छा लगता है, तो सपोज किया कि हमें रिच बनना है, तो पहली सबसे पहली कड़ी क्या है रिच बनने के लिए, विद फुल कन्विक्शन, हिंदी में बोलते हैं विश्वास के साथ बोलें कि आई वॉन्ट टू बिकम रिच। दोस्तों बोले लाइक यू मीन इट और देखिए फिर आप कितना जल्दी आप रिच बनते हैं। अब मैं उसी पे आ रहा हूं, तो पहली चीज तो ये बोले कि आई वॉन्ट टू बिकम रिच, और उसके बाद का जो मैं क्वेश्चन दोस्तों कहने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आपको हिला देगा और बहुत ताकत देगा आपको रिच बनने में। तो पहला क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू बिकम रिच, सेकेंड क्वेश्चन अपने आप से करें कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम रिच, वाई। For instance, hey, I want to become rich because I want to have a rich lifestyle. I want to help people. I want to help my parents. I want to help my siblings. I want to help my village. I want to help my city. Because, दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि poor and middle class people are selfish people. ठीक है, कहने में सुनने कहने में भी मुझे हिचकिचाहट हो रही है और आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यस, क्योंकि जो मीडियाकर और पुअर लोग होते हैं वो पूरी जिंदगी अपने ही बेसिक नीड्स में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, पूरी जिंदगी दोस्तों वो कंज्यूमर मोड में ही रहते हैं, केवल कंज्यूम करते हैं इस दुनिया में आके, और वो कभी कंट्रीब्यूट करने के मोड में आ ही नहीं पाते। इसलिए पुअर एंड मीडियाकर लोग सबसे सेल्फिश माने गए हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। तो दोस्तों कम बैक टू यू वांट टू बिकम रिच, यस इट्स पॉसिबल, से विद कन्विक्शन यू वांट टू बिकम रिच, सेकंड थिंग से व्हाई यू वांट टू बिकम रिच, क्योंकि जब व्हाई आपका एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और चाहे तो ये व्हाई खाली कार घर खाने पीने घूमने पे सीमित नहीं रखें, कुछ अपने से बिगर देन योर लाइफ, कुछ वैसा व्हाई बनाए कि वही जैसा मैं हिंदी में बोलता हूं दोस्तों कि जीते जीत लोग मर मर के भी जी लेते हैं, कर जाओ कुछ ऐसा कि मरने के बाद भी जिंदा रहो। तो कुछ इतना बड़ा जब वाई आपका होगा तो दोस्तों कभी आपके सक्सेस में कोई आड़े चीज आएंगी, कोई रोड़े आएंगे, कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई परेशानी आएंगी, तो आपको आपका जो स्ट्रांग वाई जितना स्ट्रांग होगा वो आपको रोके, आपको अपने मकसद में आगे बढ़ने से रिच होने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपका वाई इतना स्ट्रांग है। दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कि एक उनका वाई मिल गया और उस वाई को लेकर के वो आगे चल पड़े और बहुत कुछ, गांधी जी को वाई मिला था हमें लगता है साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद उनकी वाई लग गई कि हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराना है, और उसके लिए चाहे वो चंद्रशेखर हो, आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वसुदेव हो, सुखदेव हो, सभी लोग, इनको एक वाई थी कि अपनी परतंत्रता भूत हो गई। तो इसलिए दोस्तों आपका वाई रिच बनना है, रिच बनना है, मैंने एग्जाम्पल लिया, कुछ भी हो सकता है कि आपको चाहिए क्या, रिच बनना है तो वाई पता कीजिए क्यों रिच बनना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको गोल सेट करने हैं, ठीक है, रिच बनना है क्लियर हो गया, क्यों बनना है क्लियर हो गया, नाउ यू रीच आउट टू द पीपल आर बुक्स आर ऑडियो वीडियो जो भी है, अब आपको गोल सेट करने हैं रिच बनने के लिए। रिच बनना तो आपने क्लियर कर लिया, अब वो गोल कैसे होने चाहिए, आपके स्मार्ट गोल होने चाहिए। अब आज वो मैं स्मार्ट गोल शायद पहले आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, स्मार्ट गोल SMART। तो गोल जो आप सेट करें वो कैसे गोल हो, वो स्मार्ट गोल हो, और किस तरह से स्मार्ट गोल हो, थोड़े से एक दो नाम और ऐड हुए हैं हमारे, विजय कौशिक मामा जी दिल्ली से थैंक यू वेरी मच, संजय खन्ना जी थैंक यू वेरी मच, गोपाल मिश्रा जी ऑल द वे फ्रॉम बहरीन मेरे दोस्त थैंक यू वेरी मच, बहुत दिन याद आते हैं बहरीन के, और आप उन गलियों में घूमते होंगे, उन गलियों को मेरा नमस्कार बोलना बहरीन में, गोपाल मिश्रा जी, और हमारे ब्रजेश कुमार जी और ध्रुव गुप्ता जी, हरप्रीत सिंह विशाल एंड स्वप्न स्वप्न मिश्रा, सो सब लोगों को वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग। ओके, तो चलिए आते हैं स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल दोस्तों क्या होते हैं,
आपने डिसाइड कर लिया हमें रिच बनना है, ये भी डिसाइड हो गया क्यों रिच बनना है। अब आते हैं गोल्स पे, तो आपको गोल सेट करना है रिच बनने के। और गोल्स क्या होने चाहिए? स्मार्ट। पहला स्मार्ट की स्पेलिंग में जो पहला एस है उसका मतलब है स्पेसिफिक। दोस्तों रिच बनना है इज वेरी जनरल, तो व्हाट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। कितने करोड़ आपको चाहिए, कितने लाख आपको चाहिए, कितने घर आपको चाहिए, कितनी कारें आपको चाहिए, कितनी जमीन आपको चाहिए, कितना बैंक में चाहिए, कितना गोल्ड चाहिए, कितने कपड़े चाहिए और क्या क्या चाहिए। बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, लाइक उसको आप 30 सेकेंड्स के अंदर पूरा रिव्यू कर सकें। इतना जैसे कि सपोज किया आपके पास ऑलरेडी आ गया, इतना क्लियरली देखें तो उसको बोलते हैं बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपको फेरारी कार चाहिए तो बी स्पेसिफिक, कौन से कलर की होनी चाहिए, कौन से मॉडल की होनी चाहिए, कहां जितना भी डिस्क्राइब कर सकें, कहां पे पार्क होगी, कहां पे आप ड्राइव करेंगे, किसको पहले बैठा के ड्राइव करेंगे या खुद। बी वेरी 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 स्पेसिफिक उस चीज को बारे में, और तब देखिए कि आप देख सकें उसको। या तो जब रिच होने का हमें सपोज किया कि हमें अगले 5 सालों में मुझे 5 करोड़ रुपए कमाना है, तो वी वेरी स्पेसिफिक 5 करोड़ हो गए। अभी 5 करोड़ किस तरीके से कि एक कि हमारी नेटवर्थ होनी 5 करोड़ या 5 करोड़ हमारे बैंक में होना या 5 करोड़ हमारा घर होना क्या। सो डिस्क्राइब वेरी वेरी स्पेसिफिक वे। ये केवल पहली चीज, अगर इतना स्पेसिफिकली आप डिस्क्राइब कर गए दोस्तों तो बड़ी आसानी आगे हो जाएगी। सेकेंड लेटर पे आते हैं स्मार्ट पे, एस हो गया स्पेसिफिक, एंड देन एम इज मेजरेबल, मेजर, मेजर से मेजरेबल, कि ऐसा गोल हो जिसको कि आप मेजर कर सकें। मतलब कि आपने डिसाइड किया मुझे 5 करोड़ अगले 5 सालों में चाहिए, तो क्या हो गया कि अगले एक साल में 1 करोड़, तो 6 महीने में 50 लाख। या कहने का मतलब है कि उसको एक तो बड़ा गोल हो गया 5 साल का, अब ये सोचे कि हर 3 महीने या उसको 6 महीने में आप मेजर कर सकें, ट्रैक कर सकें, नहीं तो अचानक 5 साल जाने में समय वक्त नहीं लगता दोस्तों। तो एटलीस्ट उसको मेजर कर सकें विद द टाइम, इसका मतलब है कि यू कैन मेजर, दैट इज मेजरेबल, सो दैट यू कैन मेजर। वो कुछ भी हो सकता है, मैंने सक्सेस को पैसे से लिया, आपको वो हेल्थ हो सकता है। ओके, माई गोल इज, सक्सेस गोल इज आई वॉन्ट टू बी यू नो से 30 पाउंड लेस, तो कब तक, 1 साल में कितना, तो स्पेसिफिक क्या हुआ 30 पाउंड, और मेजरेबल क्या हुआ कि 30 पाउंड है आपको, तो हर महीने में हमें 5 पाउंड लूज करने या 10 पाउंड लूज करने, तो ऐसा सेट करें कि जिसको आप मेजर कर सके। या तो पहला हो गया स्पेसिफिक, दूसरा हुआ गया मेजरेबल, और तीसरा हो गया स्मार्ट। ए का मतलब अटेनेबल। अब जैसे आप कहें कि अरे मैं तो इंडिया में हूं बट आई वॉन्ट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दिस इज नॉट अटेनेबल गोल दोस्तों। या आप चाहें कि आई वॉन्ट टू बिकम एज रिच एज वॉरेन बफे और धीरू अंबानी, दोस्तों बी प्रैक्टिकल। धीरू भाई अंबानी को भी अगर आप देखा जाए जितना, तो काफी ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया जब से वो शुरू हुआ, तो आप अपनी लाइफ टाइम में धीरू भाई अंबानी शायद नहीं बन सकते, बिल गेट शायद नहीं बन सकते, लेकिन अगर बनना भी चाहें यू नो तो जस्ट मेक श्योर आपका कॉन्शियस बोलेगा, आपका इंट्यूशन बोलेगा कि वो अटेनेबल आपके लिए है कि नहीं दोस्तों। या सो दैट हैज टू बी अटेनेबल, या सो दैट्स हाउ स्मार्ट, एस एम ए। नाउ आर, सो आर इज रेलेवेंट, सो इफ यू वांट टू बिकम रिच, रिच मीन्स दैट हैज टू बी रेलेवेंट, लाइक इट कैन बी यू नो विद रिचनेस यू नो द रेलेवेंसीज, इट कैन बी मनी, इट कैन बी प्रॉपर्टी, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी अ कैश, इट कैन बी अ क्लोथिंग। ये अब ऐसा नहीं कि आई वॉन्ट टू बिकम रिच बट दैट आई वॉन्ट टू ओन अ ग्रीक और सम कंट्री, लाइक यू नो थोड़ा सा रेलेवेंसी होनी चाहिए दोस्तों आपका जो सक्सेस का जो आपने डिसाइड किया है और जो आपका गोल है, तो दैट हैज टू बी रेलेवेंट विद दैट। या सो एस एम ए आर टी। लास्ट वन इज टाइम बाउंड। या सो टाइम बाउंड कि विद इन विच टाइम पीरियड यू वॉन्ट टू फिनिश दैट गोल, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ। सो वेरी वेरी स्पेसिफिक। सो दोस्तों ये रहा आज का, तो मैं फिर से एक बात से जल्दी से रैप अप करता हूँ। आज मैंने क्या किया, आज मैंने ये किया कि टाइटल ये था दोस्तों कि हु इज स्टॉपिंग योर सक्सेस। मैंने बोला दोस्तों वो आप और आपके फैमिली, सॉरी यू एंड योर लव्ड वन। तो आप खुद अपने आप में शो स्टॉपर बनते हैं, अपने सक्सेस को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ पूरा हिला हुआ होता है, आपको बिलीव ही नहीं होता कि आप 5 करोड़ बना सकते हैं, आपको बिलीव ही नहीं
नहीं होता कि आप आईआईटी आईएम के जाके 2 करोड़ की आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों ये बिलीव आता कहां से है दोस्तों? बिलीव आता है आपके माँ बाप से, आपके दोस्तों से, आपके स्कूल से, द काइंड ऑफ द मूवी यू वॉच, द काइंड ऑफ द सीरियल यू वॉच, द काइंड ऑफ द बुक्स यू एंड द काइंड ऑफ friend you befriend with, the kind of the books you read and the kind of the basically information you go through, वहां से आता है दोस्तों। ये अगर आप environment change करोगे तो आपकी सोच बदलेगी दोस्तों। अगर तो ये होता है, ये मेरा मतलब था कहने का। उसके बाद आता है कि ये तो आपकी बिलीफ आपकी सक्सेस रोकती है। दूसरी क्या होते हैं कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि आप उनसे सलाह लेते हैं और उनको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम, तब भी वो सलाह देंगे और गलत सलाह मिलेगी, आप गलत सलेक्शन करेंगे और जाके फिर गलत 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 आपकी फाउंडेशन जब हिली हुई है दोस्तों तो इमारत की मजबूती के चांसेस बहुत कम है। तो मेरा ये मतलब था और मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों को सलाह जबरदस्ती देने की कोशिश ना करें इस वजह से कि अरे बच्चे क्या बोलेंगे कि माँ बाप को ये नहीं आता। हाँ दोस्तों, अभी पिछले 20 सालों से स्पेशली पिछले 10 सालों से लाइफ बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले में, जॉब के मामले में, सबके मामले में बहुत तेजी से दोस्तों बदल रही है। आप शायद उनको गाइड ना कर सकें, देन यू ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर सोर्स। मैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप आज पेरेंट्स से जो सुन रहे हैं कि आप अपने बच्चों को गिफ्ट देने का तरीका ही बदल दीजिए। पहले आप कपड़े देते थे और टॉयज देते थे और क्या कहते हैं क्या क्या देते थे दोस्तों, आज चाहे तो उनको अपने बच्चों को एक कोचिंग के लिए एक मेंटर, एक कोच का टाइम बाय करके दें, आधे घंटे एक घंटे की आप इनसे बात करें। और इनसे आप दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर जब हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखते हैं, जब हम 50 के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं, 70 के हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे प्रोडक्टिव और ग्रास्पिंग पावर वाला टाइम होता है दोस्तों वो होता है 20 से 30, 20 से 35 साल का, कि फुल एनर्जी और फुल फ्रीडम होती है। और दोस्तों उस टाइम पे हमें ये जानकारी मिलती नहीं, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि जगनाखेड़ा गांव से कैसे रायबरेली जाया जाए, कैसे इलाहाबाद जाया जाए और कैसे इलाहाबाद से, हमें तो यह नहीं मालूम था कि 12th में इंजीनियरिंग का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कुछ आइडिया ही नहीं था दोस्तों। तो आज मैं ये पागलों की तरह क्यों बैठा हूँ, क्यों बोलता हूँ, आज यहाँ 12,000 किलोमीटर हिंदुस्तान से दूर बैठ करके और आता हूँ, यहाँ रात के 12 बज गए हैं, लेकिन आपसे बात इसलिए करता हूँ दोस्तों, बहुत पेन होता है अपना पास देख करके कि कोई बताने वाला नहीं था। और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और बहुत सारा पैसा खर्चा किया, बहुत सारा टाइम लगाया, स्ट्रगल किए, फेलियर किए और सीखा, तो खुशी होती है कि वो आप लोगों से शेयर करूँ। तो अगेन पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को सलाह उन चीज़ों पर मध्य जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप जाके नेट से कैसे भी पता करें रिसोर्सेज और उनका टाइम खरीदें। अगर फ्री में बता दे अच्छी बात नहीं, तो टाइम खरीदें, वो फ्री में देना भी चाहें तो आप उनको किसी तरीके से उनको रीपे कर दें, चाहे लंच में बुला के, डिनर में बुला के, कोई गिफ्ट दे करके। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखें, हमेशा जिंदगी में याद रखें कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर टीच फॉर फ्री, बट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग सीरियसली नेवर लर्न फॉर फ्री। दोस्तों जब फ्री की चीज होती है उस पर उतना फोकस नहीं होता है और फिर हम अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं और बस ये तो फ्री में है, याद हो तो? तो ये था। और उसके बाद हमने बताया कि जो कुछ भी आपको चाहिए, जो सक्सेस जो चाहिए, सीधे अपने आप को बोले कि विद कन्विक्शन, विद विश्वास के साथ, यस आई वॉन्ट टू बिकम रिच। अब बस फिर क्या, क्यों रिच? दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट यू से आई वांट टू बिकम रिच एंड सेकंड व्हाई यू वांट टू बिकम रिच एंड द थर्ड रीच आउट टू द पीपल, उनकी गाइडेंस लें और उसके बेस पे फिर अपने गोल सेट करें। और गोल सेट करने के लिए हमने एक फार्मूला बताया, स्मार्ट फार्मूला, SMART, एस फॉर स्पेसिफिक, व्हाइल सेटिंग गोल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक दैट आई वांट 5 करोड़ रुपीज, दैट इज स्पेसिफिक गोल। या उसके बाद M, measurable, means इसको measure करें आपको कि 5 करोड़ अगर 5 साल में चाहिए तो 1 साल में 1 करोड़, तो जो so that you can measure it at the monthly, weekly या half yearly basis। उसके बाद आता attainable, of course the goal आपका attainable होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि if you want to become United States President, which is not possible being an Indian, तो attainable नहीं है, तो वो goal attainable होना चाहिए। और उसके बाद relevant, goal relevant होना चाहिए, आप पैसे richness से मतलब पैसे से wealth से related है तो उसी से relevant आपका goal होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट है टी, टाइम बाउंड, आपको 5 करोड़ तो चाहिए लेकिन 5 करोड़ का पूरी जिंदगी में कि 1 साल में, 2 साल, 5 साल में, तो दैट गोल हैज टू बी स्पेसिफिक टू द टाइम। या
तो दोस्तों ये रही आज की हमारी मॉर्निंग की सभा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इंतजार करता हूँ दिल से इस मंडे का। आऊँगा अपने दोस्तों से, अपने भारतवासियों से और अपने कैनेडियन से और फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया से, क्योंकि ये फेसबुक लाइव ऑडियो है जिसको कोई भी सुन सकता है। दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हो, मेरी गुजारिश है आप इसको शेयर करें। ना इसमें मैं कुछ बेच रहा हूँ, ना मैं कोई इसमें पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ना कोई रिलीजियस चीज़ें हैं, बस खुले जिंदगी से जो स्ट्रगल करके सीखा है दोस्तों वही शेयर कर रहा हूँ मैं। तो बोले आप सब लोग कुछ ना कुछ शेयर करें, सबके पास कुछ ना कुछ शेयर करने को है जो दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों यही आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, चार लोग सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा इंस्पिरेशन होगा, थोड़ा मोटिवेशन बनेगा। तो यू विल बिकम द मीडिया टू यू नो एक्सपैंड माई मैसेज। या सो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर क्या करूंगा कि एक बार अच्छा लगता है सबके नाम पढ़ने में, कितने लोगों ने मेरे को ज्वाइन किया है। तो अगेन मैं नाम पढ़ूंगा फिर से, और दैट इज यू नो शर्मिला, नलेश कुमार, रोहित सिंह, निर्मल सिद्धू, जीतू सिंह, सुरभि वर्मा, पॉल सेठी, जीतू सिंह, एजाज कुरैशी, प्रवीण पटेल, अशोक शर्मा, अर्शद भट्टी, तपन कुमार, विनय श्रीपत, अजीत पटेल, विनीता सक्सेना, अनिल उपाध्याय, बाजिंदर सिंह, नवनीत नीता मूल सक्सेना एंड सम चाइनीज नेम आई कैनॉट रीड इट, एंड जूली हेल्म रिच मूल सक्सेना, विजय कौशिक, संजय खन्ना, गोपाल मिश्रा, ब्रजेश कुमार, ध्रुवी गुप्ता, हरप्रीत सिंह, स्वप्नदीप मिश्रा, ललित भरद्वाज, उमेर शहजाद, गियोवानी कंपेसी, धर्मेश पटेल, जिगर पटेल, सिमरन ब्रार, रामी हसमी, स्वप्निल मिश्रा एंड अल्पेश काकू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी ओवर दिस फेसबुक रेडियो लाइव। दोस्तों वंस अगेन दिल से धन्यवाद आप सबको आने का और सुनने का। प्लीज स्प्रेड माय मैसेज, शेयर ऑन योर व्हाट एवर द मीडिया, व्हाट एवर द सोशल मीडिया यू आर इन। सो आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा आपको टोरंटो से इस वादे के साथ कि हम अगले सोमवार को मॉर्निंग सभा में फिर मिलते हैं, और आपको किसी दूसरे टॉपिक के साथ, और आप अपने खुद टॉपिक लिख सकते हैं कमेंट में, या अपने व्यूज लिख सकते हैं कैसा लगा ये आज का मेरा प्रोग्राम। सो विद दैट दिल से आप लोगों को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और मिलते हैं अगले मंडे को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल। सो दोस्तों बाय बाय।